स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो लास्ट टाइम हम ब्लॉग पर काम कर रहे थे, तो इसमें यहाँ पर जो है आपको ऑलरेडी पता है कि लोगो चेंज करना हमने सीख लिया, मेन्यू को एडिट करना अभी तक हमने सीख लिया है। तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ पर आप जो है टॉप में राइट साइड पर देख रहे हैं ये सोशल आइकॉन्स जो हैं, ठीक है, इनको कन्फिगर करना जो है सीखेंगे। लेकिन अगर आप ये मेरे साथ साथ जो है इस ब्लॉग पर जो है काम कर रहे हैं, और अगर ये ब्लॉग जो है आपने इंस्टॉल जो है किया हुआ है अपने ब्लॉग पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये सोशल आइकॉन्स हैं, फर्स्ट नंबर फेसबुक, ट्विटर, और यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम, और उसके बाद जो है पिंटरेस्ट, और उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंस्टाग्राम जो है नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम एडिट जो है किस तरीके के साथ जो है करेंगे, और यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है दो दो इंस्टाग्राम के आइकॉन्स तो नहीं चाहिए, तो दूसरा आइकॉन जो है यहाँ पर हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको एडिट करें, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर सोशल प्लगइन के नाम से जो है ये तकरीबन जो है आपको 10 आइकॉन्स जो है नज़र आ रहे हैं, मीन्स के इनमें से भी किसी के आइकॉन को आप यहाँ पर एडजस्ट जो है कर सकते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम जो है कहाँ से एडिट करेंगे। तो डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अभी तक आपको जो है डैशबोर्ड को यूज़ करना आ चुका होगा, जिस तरह कि हम यहाँ पर जो है थीम को भी यूज़ कर चुके हैं, और उसके बाद जो है हम लेआउट को भी यूज़ जो है कर रहे हैं। तो लेआउट में आपको पता है कि एडिटिंग जो हम यहीं से जो है सारी की सारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सोशल टॉप, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये जो यहाँ पर सोशल आइकॉन्स जो नज़र आपको आ रहे हैं, तो इनको हम एडिट कहाँ से करेंगे, यहाँ से सोशल टॉप से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, ये जो एडिट का पेंसिल का आइकॉन जो है बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वही फेसबुक भी नज़र आ रहा है, ट्विटर भी नज़र आ रहा है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, और दोबारा जो है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ से पहली तो बात है, मैं आपको एक और बात साथ ही बता देता हूँ कि आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे आप टॉप में अगर यहाँ पर देखें तो विजिबल नज़र आ रहा है, और इसके आगे जो है एक चेक लगा हुआ है, शो लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है वापस चला जाता हूँ, ठीक है, पेज रिफ्रेश करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इन सोशल आइकन्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको जो है इनको इनेबल करके जो है दिखा देता हूँ, ठीक है, ये सोशल टॉप, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आई का सिंबल है इस टाइम डिसेबल, और इसके ऊपर जो एक मार्क जो है आपको नज़र आ रहा है डिसेबल का, ठीक है। अब इसको हम इनेबल करते हैं, तो यहाँ से जो है मैंने इसको इनेबल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, ये ऑलरेडी फेसबुक आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है, तो ये जो इंस्टाग्राम है मैं इसकी जगह जो है यूट्यूब ले आता हूँ, ठीक है। अब इसको एडिट करते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर जो है यूट्यूब टाइप कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसको सेव करते हैं, सेव किया, अब यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फेसबुक भी नज़र आ रहा है, ट्विटर भी, इंस्टाग्राम भी, और पिंटरेस्ट भी, लेकिन यूट्यूब तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये कहाँ पर जो है चला गया। आपने जब किसी ब्लॉग को जो है ब्लॉगर में आप एडिट कर रहे हैं, तो आपने जो उनके लेटर्स आप टाइप करते हैं किसी भी, जैसे यहाँ पर जो है मैंने यूट्यूब टाइप किया, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसी फॉर्मेट में टाइप करें जिस फॉर्मेट में वो नज़र जो है जो वहाँ पर जो है होना चाहिए, क्योंकि इसका अपना एक जो है फॉर्मेट होता है। तो अब जैसे ये यहाँ पर जो है यूट्यूब का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, तो ये ऐसे ही नज़र नहीं आ रहा, इसका भी एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने टाइप किया था, ठीक है, यहाँ पर, तो आप अगर देखें
तो ये जितने भी यहाँ पर नेम्स नज़र आ रहे हैं सोशल आइकॉन्स के, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। तो मैंने तो जब यहाँ पर टाइप किया यूट्यूब, तो मैंने वाई जो है कैपिटल में कर दिया था। तो अब इसको हम यहाँ से जो है स्मॉल लेटर में टाइप करके देखते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। अब वापस चलते हैं और यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी, कि आपने जो है वहाँ पर स्मॉल में टाइप जो है नहीं किया हुआ था। तो इसी तरह से आप जो आइकन्स यहाँ पर रखना चाहें इनको रख सकते हैं वहाँ से, जिनको डिलीट करना चाहें इनको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 12 टाइप्स के जो है आइकन आपको नज़र आ रहे हैं सोशल, आप इनमें से किसी को भी यहाँ पर जो है लेकर आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके साथ जो है आपने अपने पेजेस को किस तरीके के साथ जो है लिंकअप करना है। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि अगर आपका फेसबुक पेज है, जब आप उसको ओपन करते हैं एक टॉप में लिंक जो है आपको नज़र आ रहा होता है। इसी तरह ट्विटर है तो उसका भी एक लिंक नज़र आ रहा होता है, इंस्टाग्राम का भी एक लिंक है, पिंटरेस्ट का भी एक लिंक है, यूट्यूब का जो पेज है आपका उसका भी एक लिंक है। आपने सिंपली करना क्या है, ठीक है, आपने यहाँ से आप जाएंगे इस लेआउट में और सोशल टॉप पर, और ये मैं अब आपको बता दूँगा कि लिंक किस तरह से ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फेसबुक है, ठीक है, इसको आप एडिट करें। एडिट करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो भी लिंक नज़र आ रहा है इसको आप क्या करेंगे डिलीट, और अपने लिंक को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है जी, अब इसके बाद ट्विटर को अगर एडिट करना है तो यहाँ से ट्विटर पर जाएं, ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे यूआरएल में है उसको डिलीट करें, अपना लिंक पेस्ट करें। इंस्टाग्राम है, ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी है उसको डिलीट करें, अपना लिंक पेस्ट करें। प्रिंटरेस्ट है, ठीक है, ये हैश आपको रिमूव करना पड़ेगा, अपना कंप्लीट लिंक जो जिससे वो पेज जो है ओपन हो रहा है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। इसी तरह अगर यूट्यूब चैनल है या जो भी आपका पेज है यूट्यूब का, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव करवा देंगे यहाँ से सबसे आपने सेव करना है, और सेव करने के बाद यहाँ से भी फाइनली आप जो है सेव कर देंगे। ठीक है, मेरे पास अभी फ़िलहाल की लिंक तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से आप उसको करके प्रैक्टिस जो है करेंगे। तो यहाँ से पहले सेव करवाते जाएं इनको, ठीक है, लिंक्स को, उसके बाद फाइनली भी आपने यहाँ से ज़रूर जो है इसको सेव कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको सेव कर लेंगे तो आपने इस पेज को अपने यहाँ से जो है ब्लॉग के पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि आपके पास जो लिंक्स हैं यहाँ पर एनेबल हो जाएंगे। मीन्स के जैसे ही आप फेसबुक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसके आइकॉन पर, तो आपका जो है फेसबुक का पेज जो है ओपन हो जाएगा। इसी तरह ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और इसी तरह से पिंटरेस्ट और यूट्यूब, यानी जो भी आप अपने ब्लॉग में जो अपने सोशल आइकॉन हैं उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप फिर भी समझते हैं कि जब आप अपने ब्लॉग को सेटअप कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपको और बेहतर से गाइड कर सकूं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये सोशल आइकॉन्स हैं इनको एडिट करना चाहिए आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।